हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लस में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई डिस्कस सम थिंग्स रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशंस, दैट इज इंग्लिश। तो ये जो हमारा इंग्लिश का जो पेपर होता है, जैसा कि आपको पता है कि आज हम डिस्कस करेंगे, तो इसमें जो चीज़ें डिस्कस की जाएंगी ये होगा आपका, इसमें जो आपका पेपर है, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आपका पेपर होता है, इसमें से आरओ हो गया, एआरओ है और सीए यानी कि कंप्यूटर असिस्टेंट है। इसमें जो आपके पेपर इंग्लिश का जो पेपर होता है उसकी हम आज बात करेंगे। ये जो आपका इंग्लिश का पेपर होता है इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं, और ये जो हमारे 50 क्वेश्चंस होते हैं इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि दो सेक्शन बेसिकली इसमें होते हैं। एक तो हमारा वोकैब का होता है और दूसरा ग्रामर का होता है। ये जो हमारे वोकैब का पोर्शन होता है इसमें वोकैब होता है एक तो हमारा पोर्शन, वोकैब्स के आपके पास जो क्वेश्चंस होते हैं नियर अबाउट 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड जो ग्रामर हो गया, ग्रामर से नियर अबाउट 20 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये टोटल मिलाकर के आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चंस आते हैं। दैट मींस कि 30 क्वेश्चंस वोकैब के आते हैं और 20 क्वेश्चंस ग्रामर के आते हैं। अब वोकैब में क्या पूछा जाता है, तो वोकैब में जैसे कि आपका हो गया सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, और फ्रेजल वर्ब हो गए, स्पेलिंग एरर हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर के आपके वोकैब के पोर्शंस होते हैं। ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है वोकैब का, और ये सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे किस तरह से वोकैब को प्रिपेयर किया जाए, किस तरह से एक समझ बैठा है ये वोकैब में। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें वोकैब का नॉलेज तो होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर मैंशन कर दिया, एक वर्ड हमारे पास है शार्प, क्या है, एक शार्प है, और दूसरा है अक्यूट, अक्यूट। तो ये हमारे पास टू वर्ड्स हैं, दोनों की मीनिंग तेज होता है, लेकिन क्या इसकी नुआंसेज आपको पता है, क्या इसकी डिफरेंसेज आपको पता है? क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि जैसे उन्होंने पूछा कि ये जो चाकू है बहुत ही तेज है, दिस नाइफ इज वेरी, तो क्या यूज करेंगे आप, शार्प यूज करेंगे या अक्यूट का प्रयोग करेंगे? तो जब कोई चीज एग्जैक्ट यानी कि लिटरल मीनिंग उसकी होती है, एग्जैक्ट वो तेज होती है, दिखने में भी तेज आपको लगती है, तो वहां पर हम शार्प का प्रयोग करते हैं कि ये चीजें तेज है। लेकिन जब हमें फिगरेटिव सेंस में यूज करना होता है, कोई चीज तेज तो है लेकिन दिख नहीं रही, जैसे हमने कहा कि ये जो आपकी माइंड है बहुत ही तेज है, तो माइंड के लिए हम क्या यूज करते हैं, शार्प का भी प्रयोग करते हैं, अक्यूट का भी प्रयोग करते हैं। कोई बीमारी है बहुत ज्यादा तीव्र है, बहुत ज्यादा तेज है, तो हम क्या कहेंगे, अक्यूट उसके यूज करेंगे। तो बेसिकली हमें क्या समझ आया कि शार्प का प्रयोग हम करते हैं एक जो तेज होती है चीज उसके लिए भी, और एक फिगरेटिव सेंस में यूज किया जाता है, लेकिन अक्यूट का प्रयोग हम केवल फिगरेटिव सेंस में यूज करते हैं। कोई चीज अगर एग्जैक्ट तेज है जैसे कि नाइफ है, वहां पे हम अक्यूट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये सारे नुआंसेस की हम बात करेंगे वोकैब में, ये वोकैब का पार्ट होता है, डिटेल में चीजों को डिस्कस की जाएंगी। और ये जो हमारा ग्रामर का पार्ट होता है, ग्रामर में जैसे कि आपके पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, उसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, तो ये सारी चीजें मिला करके होते हैं। उसी के साथ साथ आर्टिकल होता है, और आर्टिकल के साथ टेंस होता है, प्लस एक्टिव पैसिव और नरेशन। ये सारी चीजें से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्लस पैसेज भी आता है, कभी पैसेज आता है और कभी नहीं आता है, क्योंकि देखा गया है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उसमें वेरिएशंस होते हैं, उसमें चेंजेस होते रहते हैं, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। अब ये जो पोर्शन हमारा हो गया, वोकैब का हो गया, ग्रामर का हो गया, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था आपको दिया गया कि इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम कुछ चैप्टर को लेकर के डिस्कस करेंगे। आपको बताना चाहूंगा कि ये बेसिकली जो हमारी क्लास है एक डेमो टाइप की क्लास है, ठीक है, इसमें कोई चीज हम एकदम बेसिक से लेकर नहीं चल रहे हैं, ये डेमो टाइप की क्लास है। यदि आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारा जो बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे जो कॉन्टेक्ट नंबर है वहां पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो अब हम इसमें एक चैप्टर होता है जिसको आपने सुना होगा, उसका नाम है प्रोनाउन। आपने प्रोनाउन सुना होगा, प्रोनाउन चैप्टर। ये जो हमारा प्रोनाउन का चैप्टर होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, और आज के इसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रोनाउन तो होता है, उसी के साथ साथ एक होता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन को, राइट, आज डिस्कस करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन ये क्या होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में, ठीक है, काफी क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं।
लोगों को लगता है कि ये चीजें बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि बहुत ही ईजी होता है। आज के बाद से आपको ऐसा लगेगा नहीं कि रिलेटिव प्रोनाउन डिफिकल्ट होता है। पहले तो समझेंगे इसका रिलेटिव प्रोनाउन नेम क्यों रखा गया है, व्हाई डू वी कॉल इट रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेट के माने क्या होता है, रिलेट की मीनिंग होती है संबंध बताना। तो ये बेसिकली क्या करता है, संबंध बताने का काम करता है, दो चीजों में रिलेशन बताता है। अब दो चीज क्या हो सकते हैं, दो चीज आपके पास, दो वर्ड्स हो सकते हैं, दो नाउन हो सकते हैं, दो फ्रेज हो सकते हैं, दो क्लॉज हो सकते हैं, या दो सेंटेंस हो सकते हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो हम इसको कह सकते हैं कि यह कंजंक्शन का काम करता है। किसका काम करता है, ये कंजंक्शन का काम करता है, ये कंजंक्शन का काम करता है, यानी कि जोड़ने का काम करता है, उसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो इसको आप कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं चीजों को। सेंटेंस लेते हैं, पहला सेंटेंस हमारे पास है, राम इज माय फ्रेंड। एक सेंटेंस हो गया। सेकंड सेंटेंस हमारे पास है, राम इज वेरी ऑनेस्ट। ये दो सेंटेंस है। अब इन दो सेंटेंस को हम क्या करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन की हेल्प से इन दोनों सेंटेंस को ऐड करेंगे। तो सेंटेंस बन जाएगा, राम इज माय फ्रेंड हु इज वेरी ऑनेस्ट। राम इज माय फ्रेंड हु इज वेरी ऑनेस्ट। यदि सेंटेंस में देखें तो हमने क्या यूज किया है, हु का प्रयोग किया है, और हु से हमने दो सेंटेंस को जोड़ दिया है। हम कहते हैं राम इज माय फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है, हु इज वेरी ऑनेस्ट, जो बहुत ही ईमानदार है। इनको क्या किया गया, जोड़ दिया गया। किससे जोड़ा गया है, रिलेटिव प्रोनाउन से ऐड किया गया, और इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, राइट। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं इसके साथ में। एक सेंटेंस हमारे पास है, आई बॉट अ पेन, और दूसरा सेंटेंस है, द पेन वॉज वेरी एक्सपेंसिव। ये दो सेंटेंस हमारे पास हैं। इन दोनों सेंटेंस को हम फिर रिलेटिव प्रोनाउन की हेल्प से ऐड करेंगे। तो इसके लिए सेंटेंस हमारा बन जाएगा, आई बॉट अ पेन विच वॉज वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, आगे एक्सपेंसिव है। तो आई बॉट अ पेन विच वॉज वेरी एक्सपेंसिव। यू कैन सी इन बोथ ऑफ द सेंटेंसेस की फर्स्ट सेंटेंस में हमने क्या यूज किया था, हु का प्रयोग किया था, और जो सेकंड सेंटेंस में हमने रिलेटिव प्रोनाउन का ऐड किया उसमें विच का प्रयोग किया गया है। तो यहां पे हमने विच का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो एक ही नहीं होता है, उसमें कई सारे आते हैं। जब हम किसी पर्सन की बात करेंगे, जैसे हमने फ्रेंड की बात किया तो यहाँ पे हु का प्रयोग किया, लेकिन जब हम थिंग्स की बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे पेन का प्रयोग किया गया, तो वहां पे विच का प्रयोग करेंगे। तो ये चीजें हमने आपको समझाने के लिए बताया कि इस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ उसका प्रयोग किया जाता है, क्या क्या मिस्टेक्स होते हैं, किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, तो जैसा आपको पता है कि जो प्रोनाउन हमारे होते हैं उसको कई सारे केसेस होते हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट रिलेटिव प्रोनाउन इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस।
तो एक हमारा क्या होता है सब्जेक्टिव केस होता है और दूसरा क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस होता है। इधर लिखते हैं हम सब्जेक्टिव केस, ये हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया और इस साइड में हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि क्यों इसको हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। सिंपल सा डिफरेंस ये होता है कि जब भी कोई भी प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान पे यूज किया जाएगा तो हम सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे और जब उसे ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज किया जाएगा तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां पर हमने मेंशन कर दिया हु हो गया, विच, दैट और व्हाट, तो ये क्या है, ये सारे सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है। इसका जब ऑब्जेक्टिव केस की बात करेंगे तो हु से बन जाएगा हु से क्या बनेगा हुम हो जाएगा, विच से बनेगा विच का विच ही होता है, और जो दैट होता है दैट का दैट ही होता है और व्हाट का व्हाट होता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जब हमें सब्जेक्ट के स्थान पे यूज करना होगा तो सब्जेक्टिव केस आएगा, जब हमें ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज करना होगा तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो देखिए बाकी जो तीन हमारे पास है इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, कहीं भी यूज कर दीजिए, यहां पे ऐसी कोई मिस्टेक एग्जाम में होती नहीं है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट हु और होम, सो हु इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट व्हाइल होम इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, जब भी इसका हमें प्रयोग करना होगा तो ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज किया जाएगा और यहीं पर मिस्टेक्स होती है आपके एग्जाम में। हम देखेंगे किसका कहां पे प्रयोग करते हैं, तो हु और होम इन दोनों का प्रयोग करते हैं पर्संस के लिए, किसके लिए यूज किए जाते हैं पर्संस। जब किसी हम व्यक्ति की बात करेंगे तो उसके लिए हु या होम का प्रयोग किया जाएगा, और जब हम विच की बात करते हैं तो इसका प्रयोग किया जाता है थिंग्स के लिए, किसके लिए यूज करते हैं इसको थिंग्स के लिए यूज करते हैं या फिर एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। तो हमें यह समझ आएगा हु का प्रयोग पर्संस के लिए करते हैं, विच का प्रयोग थिंग्स या एनिमल्स के लिए करते हैं, जबकि दैट का प्रयोग सभी के लिए किया था, यानी कि पर्संस के लिए भी करते हैं, थिंग्स के लिए भी करते हैं और एनिमल्स के लिए भी करते हैं। तो ये जो हमारे पास है दैट है, दैट का प्रयोग हम करेंगे पर्सन थिंग्स एंड एनिमल, एनिमल्स इनका प्रयोग सभी के लिए किया जाता है। जब हम व्हाट की बात करते हैं तो व्हाट का प्रयोग किया जाता है, व्हाट का हम प्रयोग करते हैं थिंग्स के लिए, व्हाट का प्रयोग किसके लिए करते हैं थिंग्स के लिए करते हैं। तो एक बेसिक सी चीजें थी जो आपको बताया गया, अब हम डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सेंटेंस हम लेते हैं और देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन कैसे यूज किया जाता है। और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये जो सेंटेंस हम नोट कर रहे हैं ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सेंटेंस है हमारे पास मोहन इज वॉकिंग इन अ कंपनी हु इज माय बोसम फ्रेंड, माय बोसम फ्रेंड, बोसम के माने होता है फास्ट फ्रेंड या क्लोज फ्रेंड। तो सेंटेंस यहां पे मेंशन किया मोहन इज वर्किंग इन अ कंपनी, मोहन एक कंपनी में काम कर रहा है, हु इज माय बोसम फ्रेंड, जो कि मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सेंटेंस जो यहां पर मेंशन किया गया है ये करेक्ट है, लेकिन नहीं, ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि इससे पहले हमने आपसे बताया था कि जब हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं तो जब हमने पहले सेंटेंस में हमने कहा था कि राम इज माय फ्रेंड, तो राम के कंडीशन में हमने क्या बताया था आपको कि राम के बाद हमने हु का प्रयोग किया था और पेन के लिए हमने विच का प्रयोग किया था। यहां पर देखेंगे तो ये कंपनी आ रहा है और कंपनी के लिए यूज किया गया हु का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। तो इसका सही सेंटेंस क्या बनेगा, एक सेंटेंस तो इसका सही ये हो जाएगा
मोहन इज माई बॉसम फ्रेंड, मोहन इज माई बॉसम फ्रेंड हु इज वर्किंग इन अ कंपनी, हु इज वर्किंग इन अ कंपनी। एक तो सेंटेंस ये हो गया। अभी सेंटेंस को अगर हम देखें सेंटेंस को, तो इसमें क्या किया गया, हमने यहां पर यूज किया बॉसम फ्रेंड, और इसी बॉसम फ्रेंड के लिए हमने यहां पे हु का प्रयोग कर दिया, तो अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। इसको आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, सेकंड सेंटेंस इसका हो जाएगा, मोहन हु इज वर्किंग इन अ कंपनी, इन अ कंपनी इज माई बॉसम फ्रेंड, बॉसम फ्रेंड। तो आपने क्या देखा कि पहले सेंटेंस रॉन्ग था, क्योंकि हमने कंपनी के लिए हु का प्रयोग किया था, जबकि कंपनी के लिए हु का प्रयोग नहीं करते हैं, हम हु का प्रयोग करते हैं थिंग्स के लिए या एनिमल्स के लिए। अब यहां पर यहां यूज किया गया हु का एक प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, व्यक्ति के लिए करते हैं, हमने कंपनी के लिए यूज कर दिया, रॉन्ग हो गया। सेकेंड सेंटेंस की यदि हम बात करें तो बॉसम फ्रेंड के लिए हमने क्या यूज किया, हु का प्रयोग किया, करेक्ट हो गया। और यहां पर उसके बाद थर्ड सेंटेंस है, हमने मोहन के लिए हु का प्रयोग किया, तो यह भी सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। तो बेसिकली आपको यह समझ आ गया होगा कि जब भी हमें रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना होता है, तो जिस व्यक्ति या वस्तु के लिए हम यूज कर रहे होते हैं उसके जस्ट बाद में रखना होता है। यहां पे हमने क्या है देखा कि बॉसम फ्रेंड के लिए हु का प्रयोग किया गया, तो उसके जस्ट बाद में हमने हु को रख दिया, सही हो गया। मोहन के लिए हु का प्रयोग किया गया, मोहन के जस्ट बाद में हमने पुट कर दिया, और यह भी सही हो गया। यह चीज आपको समझ आ गई होगी। अब ये जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, जैसे कि यहां पे हु का प्रयोग किया गया है और यहां पे भी हु का प्रयोग किया गया है, तो हु से पहले यहां पे एक नाउन आ रहा है, राइट, और यहां भी हु से पहले एक नाउन आ रहा है। तो हु से पहले जो भी नाउन आता है, इसे हम ग्रामर की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, हु से पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है उसको हम ग्रामर की लैंग्वेज में क्या कहते हैं। तो जो भी नाउन या प्रोनाउन हु से पहले आता है उसे हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। इसे हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। तो ये जो हमारा थर्ड सेंटेंस है, इसमें हु का एंटीसीडेंट क्या है, तो आप बोलेंगे मोहन है। और जो सेकंड सेंटेंस है उसमें हु का एंटीसीडेंट क्या है, तो आप बोलेंगे बॉसम फ्रेंड है। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंटीसीडेंट क्या होता है, क्योंकि इसी बेसिस पे हम क्वेश्चंस आगे करेंगे। अब आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि जो हु यहां पर मेंशन किया गया है, हु के बाद जो आने वाला वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। जैसे कि यहाँ पे हु का यूज किया गया इज आ रहा है, यहाँ पे हु का प्रयोग किया गया इज आ रहा है, ऐसे यहाँ पे विच भी हम प्रयोग कर सकते हैं, दैट भी यूज कर सकते हैं। तो आपको सिंपली ये बताना है कि इसके बाद जो हमारे पास वर्ब होता है वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। और आप में से अक्सर लोग का आंसर होता है सिंगुलर और कुछ लोग का आंसर होता है प्लूरल। यदि आप ऐसा आंसर करते हैं तो आप दोनों लोग रॉन्ग हैं। क्यों? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है। जब भी हम हु की बात करते हैं तो हु के बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हु के हिसाब से नहीं यूज करना होता है। हम किसके हिसाब से यूज करते हैं, उससे पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से। यदि ये नाउन हमारा सिंगुलर है तो हु के बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा, यदि ये नाउन हमारा प्लूरल है तो हु के बाद आने वाला वर्ब प्लूरल होगा। आई थिंक ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब इसी पैटर्न पे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे नोट करेंगे, जैसे कि पहला सेंटेंस है, आप इसके आंसर भी कीजिए। फर्स्ट सेंटेंस है, देयर आर ट्वेंटी फाइव बॉयज हु हैज़
हैव बीन, हु हैज हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड, शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू. एक सेंटेंस हो गया. आप मुझे आंसर ये करके बताएंगे कि इसमें हु आएगा, सॉरी इसमें हैज आएगा या हैव आएगा. नेक्स्ट सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस, इट इज आई हु इज आई एम आर सिंगिंग. Singing a song. अब इसमें आप आंसर करेंगे क्या आएगा, इज होगा, आर होगा या आई एम होगा. थर्ड सेंटेंस है, चार्ल्स चार्ल्स डिकन्स is one of the Victorian novelist. Victorian novelists who has have described the social problems in his novels. और एक लास्ट सेंटेंस लेते हैं, शेक्सपियर Shakespeare is only one of the writers. Shakespeare is only one of the writers who has have written 154 sonnets. ये आपके पास फोर सेंटेंसेस है, इसमें आपको आंसर करना है कि क्या आएगा. ऑप्शंस आपके पास हैं, एक ही सेंटेंस करके हम डिस्कस करते हैं. मैंने आपको क्या बताया कि जब भी हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है उसे हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं. और उसके बाद जो वर्ब होगा वो उसी नाउन या प्रोनाउन पे डिपेंड करता है. तो यदि इस सेंटेंस में देखिए आपने क्या यूज किया गया है, 25 बॉयज यूज किया गया. 25 बॉयज कैसे हैं, सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं? योर आंसर वुड बी प्लूरल. तो जब ये प्लूरल है तो हम क्या यूज करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, यहां पर हैव आएगा. आई होप कि आपको समझ आया होगा. तो अब सेकेंड क्वेश्चन का आंसर कीजिए, इट इज आई हु इज एम आर सिंगिंग अ सॉन्ग. और बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर होता है कि यहां पे इज आएगा. तो यदि आपका आंसर इज आता है तब भी रॉन्ग है, आर आता है तब भी रॉन्ग है, क्योंकि हमें हु के हिसाब से नहीं यूज करना होता है, हमें
उससे पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से यूज करना होता है। तो ये जो नाउन हमारे पास, ये प्रोनाउन जो यूज किया गया है, आई, आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, आई के साथ हम आई एम का प्रयोग करते हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा आई एम। सेंटेंस बनेगा, इट इज आई हु आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, ये मैं ही हूं जो गाना गा रहा हूं। इसके बाद में हो जाएगा थर्ड सेंटेंस है, चार्ल्स डिकन्स इज वन ऑफ द विक्टोरियन नॉवेलिस्ट हु हैज हैव डिस्क्राइब्ड अ सोशल प्रॉब्लम्स इन हिज नॉवेल्स। चार्ल्स डिकन्स विक्टोरियन नॉवेलिस्ट में से एक नॉवेलिस्ट हैं जिन्होंने अपनी नॉवेल्स में सामाजिक समस्याओं को डिस्क्राइब किया है, बयान किया है। अभी सेंटेंस में देखें तो हमने कहां देखा, रिलेटिव प्रोनाउन कहां आ रहा है, यहां पे यूज किया गया रिलेटिव प्रोनाउन। और ये जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है उससे पहले ये नाउन यूज किया गया, नॉवेलिस्ट। ये सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। यहां तक की बातें आपको समझ आ गई होंगी। और फोर्थ का आंसर आप करिए क्या आएगा, अब आप में से बहुत सारे लोग का आंसर होगा कि यहां पर हु यूज किया गया है और हु से पहले क्या आ रहा है, राइटर्स आ रहा है, और जब ये राइटर्स आ रहा है तो आप क्या लगा देंगे, यहां पे हैव लगा देंगे। लेकिन नहीं, यदि आप हैव लगाएंगे तो यहां पे आप रॉन्ग हैं। यू मस्ट बी थिंकिंग कि आपने ऊपर तो ये सारी चीजें बताई थी कि जब हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं तो उससे पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से हम वर्ब यूज करते हैं, लेकिन यहां पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो उसका लॉजिक ये है कि यहां पे हमने ओनली का प्रयोग कर दिया है, ओनली से डिफरेंस क्या हो जाता है, इस सेंटेंस को अच्छे समझिएगा। जैसे हमने कहा शेक्सपियर इज ओनली वन ऑफ द राइटर्स, अब हम ओनली को हटा देते हैं कुछ समय के लिए, तो इसके मतलब हो जाएगा शेक्सपियर इज वन ऑफ द राइटर्स हु हैज हैव रिटन 154 सोनेट्स। अगर हम ओनली हटा देंगे तो इसकी मीनिंग हो जाएगा शेक्सपियर उन सारे राइटर्स में से एक राइटर है जिन्होंने 154 सोनेट लिखा है। दैट मीन्स कि बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने 154 सोनेट लिखा है, उसमें से शेक्सपियर एक है। लेकिन यदि हम ओनली लगा देते हैं तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि बहुत सारे राइटर्स हैं जिसमें से शेक्सपियर ही एक ऐसा राइटर है जिसने 154 सोनेट्स लिखा है, बाकी किसी ने नहीं लिखा है। मैं रिपीट करता हूँ, ओनली लगने से ये हो जाता है कि हम इस वन की बात कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं बहुत सारे राइटर्स में से शेक्सपियर ही एक ऐसा राइटर है जिसने 154 सोनेट लिखा है, बाकी किसी ने नहीं लिखा है, तो इस कंडीशन में आने वाला वर्ब हैज होगा। यहाँ जो चार्ल्स डिकन्स का प्रयोग किया गया है, यदि इससे पहले भी हम ओनली का प्रयोग कर दें तो यहाँ पर भी हैज हो जाएगा, और ओनली हटा देंगे तो हैव हो जाएगा। यदि यहाँ से भी हम ओनली को हटा दें तो यहाँ पे हैव हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक कि आपको समझ आ गया होगा। तो इसके बाद हम देखेंगे कुछ और कंडीशन को डिस्कस करेंगे। अभी तो ये सारी चीजें बेसिक हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम इसके बाद में देखेंगे कि ये जो हमारे पास अभी हमने नोट कराया था, हु है, विच है, हुम है या दैट है, इनका हम कहां पे प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हु और हुम को, राइट। हु और हुम को हम कहां यूज करते हैं, तो आपकी हेडिंग हो जाएगी हु एंड हुम, हु एंड हुम। कहां पे हम हु का प्रयोग करेंगे और कहां पे हुम का प्रयोग करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि हुम का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के स्थान पे, हु का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पे किया जाता है, और हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट के स्थान पे किया जाता है। यही चीज तो हमने स्टार्टिंग में नोट कराया था कि जो हु है वो सब्जेक्टिव केस है और जो हुम है वो ऑब्जेक्टिव केस है। एक सेंटेंस नोट करते हैं, यहां पे सेंटेंस है हु हैज स्टोलन योर कार। अब यहां पे हम ऑप्शन देते हैं, एक तो हु है और दूसरा हुम है, दोनों में से फिल करना है। दूसरा सेंटेंस है हु हुम हैव हैव यू गिवन माय पेन, ये दूसरा सेंटेंस है। ये सेंटेंस बहुत ही सिंपल है, आपको समझ आ गया होगा कि पहले सेंटेंस में क्या आएगा, हु आएगा, किसने तुम्हारी कार चुराई है, और सेकंड सेंटेंस में तुमने मेरी पिन किसको दे दी, हु हुम हैव यू गिवन माय पिन, तो क्या आ जाएगा, हुम आ जाएगा। लेकिन इतना इजी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ये तो हमने समझाने के लिए मेंशन किया था कि यहां पे हु सब्जेक्ट बन रहा है, क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है,
और ये किसका सब्जेक्ट बन रहा है, तो ये हैज स्टोलन का सब्जेक्ट बन रहा है, इसलिए हमने सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया। यहां पर ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, और जब ये ऑब्जेक्ट बन रहा है तो हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। लेकिन हमारे एग्जाम में थोड़ा डिफिकल्ट कंडीशन पूछी जाती है, तो उसको हम समझते हैं किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेंटेंस लेते हैं, पहला सेंटेंस है दिस इज द मैन, दिस इज द मैन हु whom I have talked over the phone। is a delightful talker यानी कि speaker। ये कहना चाहते हैं this is the man who whom I have talked over the phone। over the phone भी सही होता है, on the phone भी सही होता है, कुछ भी use कर सकते हैं, यहां परेशान नहीं होंगे। तो this is the man who whom I have talked over the phone is a delightful talker। दूसरा सेंटेंस है this is the girl whom I came across on the road last night। ये दो सेंटेंस में आपको फिल करना है कहां पे हु आएगा, कहां पे हुम आएगा। और मुझे यकीन है कि आप में से सभी का आंसर यही आ रहा होगा, हो सकता है किसी का नहीं आ रहा हो। आप लोग फर्स्ट में भी हुम लगाते होंगे, सेकंड में भी हुम लगाते होंगे, लेकिन यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप रॉन्ग हैं, ये सही आंसर नहीं होगा। हम सही आंसर कैसे कर सकते हैं, तो सही आंसर करने के लिए दो तरीके होते हैं। आपको पता है कि जब भी हमें कोई भी सेंटेंस फॉर्म करना होता है तो हम क्या करते हैं, कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होता है सब्जेक्ट की प्लस वर्ब की, ये दोनों चीजें बेसिक होती हैं। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, या वो सेंटेंस बनेगा नहीं, फ्रेज या क्लॉज हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, सेंटेंस नहीं बन पाएगा। तो सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए हमें सब्जेक्ट में और सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी होता है। तो इसमें हम करने का क्या तरीका होता है, एक तो तरीका होता है इसका सब्जेक्ट और वर्ब को मैच करेंगे। जैसे यहां पर हमने देखा दिस, तो दिस क्या है, एक सब्जेक्ट है और इज एक वर्ब है। दिस क्या है, एक सब्जेक्ट है और इज एक वर्ब है। ये सब्जेक्ट हो जाए, एक वर्ब हो गया, इन दोनों का पेयर बन जाएगा, हम सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर बनाएंगे। आगे देखेंगे तो इसको अभी हम छोड़ दे रहे हैं। आई क्या है, आई एक सब्जेक्ट है, और ये हैव टॉक्ड क्या है, वर्ब है। तो एक दूसरा पेयर हमारे पास कंप्लीट हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया हमारे पास इन दोनों का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इज हमारे पास क्या है, इज हमारे पास एक वर्ब है, लेकिन इसका सब्जेक्ट कहाँ है, तो यही जो हमारे पास मेंशन किया गया हु, यही हु सब्जेक्ट है, और ये हमारे पास हो जाएगा थर्ड पेयर, राइट है। तो यहाँ पे हम हु का प्रयोग करेंगे। आई होप कि ये समझ आया होगा। दोबारा से रिपीट करते हैं, हम सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर बनाएंगे, यदि पेयर कंप्लीट हो जाता है तो सब्जेक्टिव केस का, नहीं होता है तो ऑब्जेक्टिव केस का। जैसे दिस और इसका पेयर कंप्लीट हो गया, एक पेयर हो गया। आगे बढ़ते हैं, हैव टॉक्ड का आई से पेयर कंप्लीट हो गया, लेकिन जो यहाँ पे इस दे रखा है इसका हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो यही यहाँ पे आकर के सब्जेक्ट बनेगा और ये पेयर कंप्लीट हो गया। बाकी अगले सेंटेंस की यदि हम बात करें, तो दिस हमारे पास सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, एक पेयर हमारा कंप्लीट हो जा रहा है, राइट।
आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे पास फिर इसको हम छोड़ दे रहे हैं। आई हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, आई हमारे पास एक सब्जेक्ट है और केम अक्रॉस एक वर्ब है, ये क्या है, एक वर्ब है और दूसरा हमारे पास पेर भी कंप्लीट हो जा रहा है। लेकिन आगे हमारे पास क्या कोई वर्ब है, वी डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा वर्ब। और जब हमारे पास कोई दूसरा वर्ब नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा हुम। आई होप कि आपको समझ आया होगा, हम रिपीट कर रहे हैं, हम दोनों चीज का पेयर बनाएंगे, सब्जेक्ट और वर्ब का। यदि पेयर बन जा रहा है तो सब्जेक्टिव केस, पेयर नहीं बन पा रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां तक की चीजें आपको समझ आई होंगी। ये जो कम अक्रॉस होता है इसकी मीनिंग क्या होती है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम में वकैब का बहुत ही अच्छा रोल होता है, तो यहां पर जो कम अक्रॉस है, यहां पर हम यूज करते हैं कम अक्रॉस, एसी है, ए सी आर ओ डबल एस, कम अक्रॉस हो जाएगा या रन अक्रॉस। इन दोनों की मीनिंग होती है अचानक मिलना। कम अक्रॉस या रन अक्रॉस की मीनिंग क्या होती है, टू मीट बाय चांस, अचानक मिलना, वही हो जाएगा रन, रन डाउन, ठीक है, रन डाउन होता है या रन ओवर होता है, तो इसके माने कुचल देना होता है। और रन डाउन की मीनिंग खराब हो जाना भी होता है, तो इसके माने कुचल देना होता है या खराब हो जाना। वैसे रन ओवर के माने कुचलना ही होता है, लेकिन रन डाउन की दो मीनिंग होती है, एक तो इसकी मीनिंग कुचल देना, एक खराब हो जाना। तो ये इससे रिलेटेड वर्ड्स थे। अब ये आपको समझ आया होगा, हम एक दो सेंटेंस और इसी पैटर्न पे नोट करते हैं, उसका आंसर आपको करना होगा जो भी आपको हमने समझाया है, ठीक है। इसी पैटर्न पे सेंटेंस नोट करेंगे और आप उसका आंसर करेंगे, क्या आंसर आएगा। तो दो सेंटेंस ऊपर हो गए थे, थर्ड सेंटेंस है, थर्ड सेंटेंस हमारे पास है, दिस इज द बॉय हु whom I met at the railway station, at the railway station some days ago। इसमें आपको आंसर करना है हु आएगा या whom आएगा। दूसरा सेंटेंस, दिस इज द गर्ल whom I have taught English is a bank manager, is a bank manager। अब यहां पे आपको बताना है कि इन दोनों में से क्या आएगा, फर्स्ट में क्या आएगा और सेकंड में क्या आएगा, ठीक है, इनमें आंसर करना है आपको। तो जो पहला सेंटेंस मेंशन किया गया, दिस इज द बॉय हु होम, आप वही तरीका फॉलो करेंगे, दिस क्या हो गया हमारा, दिस इज द बॉय, तो दिस क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया और इस हमारे पास वो हो गया, एक पेयर कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आई क्या है, आई एक सब्जेक्ट हो गया और मेट एक वो है, दूसरा पेयर कंप्लीट हो गया। क्या आपके पास आगे कोई वो मिल रहा है, इसमें आगे कोई है, नहीं है, और जब आगे कोई वो नहीं है तो क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा हुम।
राइट। फोर्थ सेंटेंस पे आते हैं तो दिस क्या हो गया, सब्जेक्ट है दिस, वो क्या हो गया, इज हमारा वो हो गया, एक पेयर कंप्लीट हो गया। आगे हम बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं यहां पे आई क्या है, आई एक सब्जेक्ट है और हैव टॉट एक वर्ब हो गया, ये दूसरा पेयर कंप्लीट हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं तो इज भी हमारे पास एक वर्ब है, और जब ये वर्ब है तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, सब्जेक्ट की, और यही सब्जेक्ट हम यहां से लेंगे तो यहां पे हु आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले में होम था, सेकंड में हु आ जाएगा। इसका एक और भी तरीका करने का, यदि आपको समझ आए लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट आपको लगेगा, अब क्या करेंगे, यहां से आप मानिए ये पूरा सेंटेंस हटा दीजिए, क्या करेंगे ये पूरा सेंटेंस यहां से और यहां तक के हटा देंगे। अब रीड कीजिए, दिस इज द गर्ल हु इज अ बैंक मैनेजर या हुम इज अ बैंक मैनेजर, दिस इज द गर्ल हु इज अ बैंक मैनेजर या हुम इज अ बैंक मैनेजर, तो आपको लगेगा हु इज अ बैंक मैनेजर। तो ऐसे भी क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि आपको ये नहीं समझ आएगा कहां से क्या हटाना है क्या रखना है। तो सिंपल सा तरीका इसका यह है कि सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर बनाएंगे, यदि इन दोनों का पेयर बन जा रहा है तो क्या यूज करेंगे, सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, यदि पेयर नहीं बन पा रहा है तो आप ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। आई होप कि यहां तक की चीजें आपको समझ आई होंगी। तो आज की क्लास में हम इतना तक रखेंगे और फिर मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।